नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વડોદરાની વિશ્વવિખ્યાત એમએસ યુનિવર્સિટીની સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય ખાતે વૈદિક પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। ગઈકાલે વડોદરામાં બનેલી દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોની આત્માને શાંતિ માટે યજ્ઞશાળા ખાતે સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના અધ્યાપકો અને છાત્રો વૈદિક પ્રાર્થના કરી। તો આજે સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયમાં યોજાનાર બીએચયુના પ્રાધ્યાપક શ્રીનું વ્યાખ્યાન મુલતવી રાખવામાં આવ્યું હતું। गत काले सांजे जे दुर्घटना घटी बपोर पछी हरणी तलाव पासे ए सांभळीने खरेखर आ घटना बहु हृदय विदारक घटना छे। कोईना घरना भूलकाओ की छोकराओ छोकरी अने आ बधा टीचर्स ए लोको आनंद माटे गया था अने आ दुर्घटना घटी। ए सांभळीने हूँ अमारा महाविद्यालयना छात्र अने अध्यापको ज नहीं बधा जे लोको छे बधाने बहु दुख थयो छे। अने अमे विचार कर्यो कि आ जेटला एमा शरीर शांत थया छे एटले अमे लोको शुं एना माटे करी शकीए। तो अमारी एक वैदिक परंपरा छे कि जे लोको दिवंगत थाय छे एना माटे अमे वैदिक प्रार्थना राखीए छीए। एटले आईने हवारमां एम तो पहेलाथी निर्धारित अमारे त्यां एक लेक्चर हतुं जे काशी हिंदू विश्वविद्यालयथी प्रोफेसर पधार्या छे एनो पण एक लेक्चर अमे निरस्त कर्या अने आ दुखद घटनाने लीधे अमे बधा विद्यार्थीओ हिंदू स्टडीजवाळा अने संस्कृत महाविद्यालयवाळा टेम्पल मैनेजमेंटवाळा अने विशारद शास्त्री आचार्यना बधा विद्यार्थीओ अने बधा अध्यापक बधा स्टाफना मेम्बरो वैदिक प्रार्थना एना शांति माटे करीए छीए कि प्रभु आ जीवोने शांति आपे अने फरीथी एवी कोई दुर्घटना ना घटे एवी आशा राखीए छीए। मारू नाम डॉक्टर रामपाल शुक्ला।